चुनाव के ऐलान से कुछ दिन पहले जब मोदी ने वसुंधरा राजे से मुंह फेर लिया था, तभी समझ में आ गया था कि आगे महारानी के साथ क्या होने वाला है। तब मंच पर महारानी भले ही मोदी के आसपास थी, लेकिन मोदी ने उन्हें जरा भी भाव नहीं दिया। और अब जब चुनाव का ऐलान हो चुका है, तब बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों वाली अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की इस लिस्ट में लोकसभा चुनाव लड़ चुके 7 सांसदों को टिकट दिया गया है, लेकिन इस पहली सूची में वसुंधरा का नाम नहीं है, या फिर कहें कि वसुंधरा के साथ साथ वसुंधरा के करीबी उन तमाम नेताओं का दूर तक इस सूची में कोई नामो निशान नहीं है, बल्कि महारानी के करीबियों के टिकट काट दिए गए हैं। जयपुर की झोटवाड़ा सीट से उम्मीद जताई जा रही थी कि पूर्व मंत्री राज्यपाल सिंह शेखावत को मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन पार्टी के आदेश पर जयपुर ग्रामीण के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मैदान में उतारकर राज्यपाल सिंह शेखावत की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेर दिया गया। इसके बाद राज्यपाल ने बगावती तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। इस प्रकार की 41 लोगों की सीट डिक्लेयर आज जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, आम जनता में इस बात का चर्चा का विषय है कि जो पार्टी राजस्थान के अंदर सरकार बनाने की बात करती है, इसमें इस प्रकार का रेस्पिरेशन होगा कि 41 की सीट में 10 उन लोगों को टिकट दिया जाए जो बगावत किया गया, उन गए चुनाव में भागी हूँ, एक को कांग्रेस से बुला के टिकट दिया गया है और एक ब्यूरोक्रेट को टिकट दिया है और 7 सांसदों को चुनाव दिया। 48% के लगभग वो है तो या तो बागी या कांग्रेस से आया है या ब्यूरोक्रेट है या सांसद है। मध्य प्रदेश के अंदर उन सांसदों को उस जगह चुनाव लड़ाने की बात को एक स्ट्रेटजी समझ आती है कि वो वीकर सीट के ऊपर, कमजोर सीट पर, हारी हुई सीटों पर चुनाव लड़ाया जाए। तो यार जिस प्रकार से विद्याधरनगर और झुटवाड़ा के अंदर टिकट दी गई है, मैं समझता हूँ वो स्ट्रेटजी भी इसमें नहीं है। तो आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि ये पार्टी जो क्लेम कर रही है कि हम सरकार बना रहे हैं, उसकी स्थिति है सरकार बनाने की है, और इस प्रकार का रेस्पिरेशन क्यों है कि 41 में तो 48% सीटों पर वो कुछ पैदा कर रहे हैं। इस पहली सूची में राज्यपाल सिंह शेखावत के साथ ही नरपत सिंह का भी टिकट काट दिया गया है। नरपत सिंह उपराष्ट्रपति एवं भाजपा के दिग्गज नेता रहे भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं। जयपुर की विद्याधर नगर सीट से कई बार विधायक बने नरपत सिंह कभी वसुंधरा के समर्थक तो कभी उनकी खिलाफत करते हुए दिखाई दिए थे। भरतपुर की नगर सीट से अनीता सिंह का भी टिकट काट दिया गया। अनीता सिंह भी वसुंधरा राजे के करीबी बताई जाती हैं। पहली लिस्ट में साफ हो चुका है कि टिकट वितरण में वसुंधरा की बिल्कुल नहीं चली, उल्टे वसुंधरा के नज़दीकियों की टिकट उड़ा दिए गए। इस लिस्ट में आने से भाजपा का साफ संदेश है कि गुटबाजी करने वाले नेताओं को टिकट नहीं दिया गया। अभी तो टिकट वितरण का ये ट्रेलर है, आगे आगे देखिए, अभी चुनावी पिक्चर बाकी है।